नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम आप सभी को पता ही है, अक्षय लाहिद अक्षय सर नॉलेज गेनर में। और मैं हूं अक्षय सर, जो आपको एयरफोर्स नेवी एक्स वाई डिफेंस डबल ASR का ज्ञान आपको यानी मैथ्स के शॉर्ट ट्रेस का 40 सेकंड के अंतर्गत सवाल सिखा रहा हूं। तो जैसे कि सबको पता है, हमारे यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉनिक सेक्शन मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है, उसके हम काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमने पैराबोला का पढ़ा, उसके लिए बच्चों ने बहुत अच्छा व्यूज़ दिए और चाहता हूँ थोड़ा और ज़्यादा दीजिए। लाइक में कमी आ रही है, वो भी पूरी कीजिए। तो स्वागत है सभी का, इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक देखना है। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, जिससे आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन बेल द्वारा प्राप्त होते रहें। तो अब आगे हमें पता है वीडियो एंड तक देखना है, तो वीडियो एंड में देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है अपने व्यूज़ यानी कैसा लगा वीडियो और अपने सवालों को। और मेरे 8858961994 मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ मैं बाकी वीडियोज़ के भी, तो उनके साथ भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबको पता है पैराबोला का लास्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया था, y² = 16x = 1 सवाल किया था पैरामीट्रिक इक्वेशन से। तो हमारे पास आज दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं पैराबोला का, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, तो इसके लिए क्या है हमारे पास, फोकस डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, हमेशा 2a ये रहेगा डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और लेंथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोकस एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसकी क्या लेंथ रहेगी 4a बराबर यानी 4a, ये ध्यान रखिएगा, ये आगे सवाल में काम आने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, फ्रॉम द पैराबोला पैराबोला हुज फोकस इज 1,1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x + y = 5 = 0 फाइंड द लेटस रेक्टम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पहले 2a = 7, तो a = 7/2 आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, एक हमारे पास करना है ax1 + by1 + c / a² + b², इस चीज़ को हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2a = 1 + 5/2 √2, तो क्या मिल जाएगा हमें a = 7/√2। तो लेटस रेक्टम हमारा कितना हो जाएगा इसके लिए, 4a = 14/√2, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है डायरेक्ट्रिक्स, ये तो हमारे पास लेटस रेक्टम के लिए। अगला क्वेश्चन आता है पॉइंट्स डी हो अगर 2,3 इज फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस इक्वेशन इज 3x + 4y = + 7 = 0 फाइंड द लेटर लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम। तो हमारे पास वही फॉर्मूला 2a = 6 + 12 + 17 = 5, तो कितना हो जाएगा 2a = 5 आ जाएगा और हमारे पास वैल्यू मिल गई खत्म, यानी 2a = 25/5 आएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका टॉपिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन वर्टिसेस और फोकस आ गया है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला है द वर्टिसेस ऑफ फोकस दी रखी है, वर्टिसेस और फोकस आर गिवन, तब क्या करेंगे, तब हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेगा एक क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टिसेस इज 2,1 एंड फोकस इज, फोकस कितने दिए 5,1, तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास कोई दे रखी है तो एक फॉर्मूला होता है y² = 4ax, इसको लगा देंगे तो y - 1² = 4ax - 2। अब आप जानते ही हैं y - 1² खोल देंगे बराबर 12x - 2, खत्म हो जाएगा, बहुत इजी रहने वाला है। अगला टॉपिक आता है कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज के टॉपिक की पैराबोला से संबंधित जो बताने वाला हूँ, कोशिश करूँगा आज टॉपिक खत्म ही कर दूँ बिल्कुल। अगर दी होता है इफ वर्टिसेस h, k एंड सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो वी हैव टू प्लेस ऑफ x, यानी x की जगह क्या रखेंगे x - h और y की जगह y - k, ध्यान रखिएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब h और k की बात करेगा टाइम के अंदर x की जगह x - h रखेंगे और y की जगह y - k। दूसरा पॉइंट, यदि क्वेश्चन दिया हो जिसमें वर्टिसेस और फोकस पॉइंट सेम दे रखी है, यानी वर्टिसेस एंड फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट्स एंड वर्टिसेस आर गिवन सेम, तब क्या करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी से पैराबोला का रहेगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पैराबोला इक्वेशन के होंगे। तीसरी बात, यदि एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें जो कि इक्वल है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट दोनों बराबर है, तो थर्ड फोर्थ पैराबोला होगा, थर्ड एंड फोर्थ पैराबोला वहां पे मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा मद्देनजर रखते हुए इसको सवाल करेंगे आगे। एक क्वेश्चन दिया है इन पैराबोला हुज वर्टिसेस 5,3 एंड फोकस इज
11 कॉमा 3, तो x माइनस x इक्वल टू x माइनस 5, y इक्वल टू y माइनस 3, तो 11 कॉमा 3 कितना हो, a बराबर 6, लगा देंगे वैल्यू, y माइनस 3 का स्क्वायर 24, x माइनस 5, खत्म। अगला क्वेश्चन आगे मिलते रहेंगे, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आता है फोकल डिस्टेंस। व्हाट इज फोकल डिस्टेंस? फोकल डिस्टेंस की हम बात करेंगे, तो इसके लिए क्या है हमारे पास, सबसे पहले दिमाग में आएगा a प्लस एक्स, यानी a साइड और x साइड को दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन दे रखा होता है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट हुज y स्क्वायर बराबर 8x एंड डिस्टेंस इज 4। तो क्या करेंगे, a बराबर 2, a प्लस एक्स बराबर 4, तो 2 प्लस एक्स बराबर 4, तो x बराबर 2 हो गया हमारे पास, और y स्क्वायर बराबर 16 रखेंगे तो y हो गया प्लस माइनस 4। इस तरीके से हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन। यानी क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है, क्या दे रखा है उसने, जब हमारे पास फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन, तब क्या करेंगे हम लोग, तब हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन है, फोकस दे रखी है एच कॉमा के और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है एक्स प्लस ए बराबर जीरो, तो एक फॉर्मूला होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस ए। तो फोकस हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला लगा देंगे, खत्म हो जाएगा आंसर। इसमें अगर चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका x माइनस एक को फोकस दे रखा है जिसमें 2, -3 मान लेते चलो, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है कितनी दे रखी है, एक्स प्लस 5 बराबर शून्य। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5, ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को हम कर लेंगे, इसके बाद हम बढ़ते हैं। यदि स्ट्रेट लाइन दे रखी हो, 3 इंचियों के बारे में बात कर चुके हैं। यदि एक क्वेश्चन आता है ना पैराबोला इक्वेशन हुज फोकस इज 1, 2 एंड डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस 2y बराबर प्लस 5 बराबर 0, तो समझ गए होगे, पीछे करवा ही चुका हूँ इस चीज़ को, लगा देना वैल्यू और इसको के मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 5, के बराबर 5 आ जाएगा हमारे पास, एक्स ही अपन रख के, तो एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ाएंगे, वाई स्क्वायर बराबर 6x दे रखा होगा। यदि वाई स्क्वायर बराबर 6x दे रखा होगा तो वाई स्क्वायर बराबर 144, 144 जब दे रखा होगा वाई इक्वल टू प्लस माइनस 12, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, तो 24, -12 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाएंगे y माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस एक्स वन, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, वैल्यू लगाएंगे y माइनस जीरो इक्वल टू 12 अपॉन 24 एक्स, तो y बराबर 1/2 एक्स, 2y वैल्यू आ जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू शून्य, इस चीज के सवाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक पैराबोला की फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे रखें, एक क्वेश्चन एक ट्रिक और लगा सकते हैं, तो जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे रखें तो पी एस बराबर पी एम रहेगा, इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, इस चीज़ को फिर आगे बढ़ाएं इसको, ठीक है, सवाल आप कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं एलिप्स की तरफ, एलिप्स एक का सवाल होगा, और वाई बराबर एम एक्स प्लस सी दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो सी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए वन प्लस एम स्क्वायर, इस चीज़ के सवाल आप कर सकते हैं। यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर सी दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2 बराबर शून्य कर देंगे, एक्स वैल्यू आ जाएगी बराबर 1 और 2, ये 1, 0 2, 0। यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी दे रखा है तो क्या कर देंगे, वैल्यू लगा देंगे सर्कल का, सर्कल का वैल्यू लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, तो इसको लगा देंगे r इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो r इक्वल टू 0 हो जाएगा, इस तरीके से हम सवाल इसको कर देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एलिप्स की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है हमारा पास एलिप्स, एलिप्स की बात करेंगे। एलिप्स क्या है हमारे पास, इसका एक क्वेश्चन रहेगा, एक सबसे पहला, यदि ए ग्रेटर देन होता है केस फर्स्ट, ए ग्रेटर देन बी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए, यानी ए ग्रेटर देन बी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर एक, तो फोकस बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा इसके लिए,
एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्टेक्स कितनी हो जाएगी इसके लिए ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो, सेंटर क्या होगा सब निकाल के बता देता हूँ एक साथ, जीरो कॉमा जीरो, मेजर एक्सिस होगी इसमें एक जो होगी टू ए, माइनर एक्सिस होगी टू बी, लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा इसके लिए टू बी स्क्वायर अपॉन ए, और एसेंट्री नाम की एक चीज़ आती है इसमें एसेंट्रिसिटी, इसे हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, क्या हो जाएगी हमारे पास फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर टू वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, इस तरीके से हमें मिलेगा। क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर अपॉन नौ प्लस वाई स्क्वायर अपॉन पाँच बराबर एक दिया है इन अ गिवन इक्वेशन, फाइंड द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो फोकस निकालेंगे टू कॉमा जीरो आएगी एंड डायरेक्ट एक्स इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस थ्री बाय टू, खत्म आंसर। इस तरीके से सवाल मिल जाएगा हमें, ठीक है, बहुत ईजी है, इलिप्स को हम फटाफट कर लेंगे। यदि दूसरा केस, यदि क्या होता है बी हो ग्रेटर ए से, तो क्या करेंगे यदि बी हमारे पास है ए से बड़ा हो, तो बी ए से जब बड़ा होगा तो कंडीशंस चेंज हो जाएगी, कंडीशंस कुछ अलग होती हैं, इसके फॉर्मूले बता देता हूँ फटाफट। तो जब बी बड़ा होता है तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, तो फोकस कितना होगा इसके लिए जीरो कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यदि सेंटर कितना होगा इसके लिए जीरो कॉमा जीरो, मेजर एक्सिस कितनी होगी इसके लिए टू बी, माइनर कितना होगा टू ए, लेटस रेक्टम टू ए स्क्वायर अपॉन बी, बिल्कुल अलग कंडीशन है यदि बी हमारे पे बड़ा हो जाता है तो के सेकंड ए, और एसेंट्री ए इक्वल टू वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो यानी फॉर्मूला रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, इस तरीके से रहेगा। तो अगला क्वेश्चन आता है इन ए गिवन इक्वेशन, जी हम कर लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, तो अगला आगे बढ़ते हैं। यदि फोकल डिस्टेंस की बात करें, फोकल डिस्टेंस के लिए क्या रहेगा हमेशा पी एस वन प्लस पी एस टू इक्वल टू टू ए, यानी ए इज ग्रेटर देन बी, यदि पी एस वन प्लस पी एस टू बराबर टू बी तो बी इज ग्रेटर देन ए, ये कंडीशंस रहेगी। एक फॉर्मूला आता है, एक ट्रिक को याद रखिएगा, यदि एसेंट्री की वैल्यू एक से कम हो यानी लेस देन वन तो ई इज ग्रेटर देन वन, ध्यान रखिए जब लेस देन वन होगा एसेंट्री तो हमारे पास ई इज ग्रेटर देन वन रहेगा। अगला सेंटर ऑफ कर्व ऑफ इलिप्स, सेंटर ऑफ कर्व ऑफ इलिप्स के लिए बात करेंगे, सेंटर ऑफ कर्व ऑफ इलिप्स इसके लिए क्या रहेगा एक फॉर्मूला कोफिशियंट ऑफ वाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड वाई अपॉन वाई स्क्वायर, इसको वैल्यू को लगा देंगे, ज़्यादा सवाल नहीं आता इसके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पैरामेट्रिक इक्वेशन है क्या होती है इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म, एक्स बराबर ए कॉस थीटा वाई बराबर बी साइन थीटा, पीछे हम इसको पढ़ चुके हैं, सर्कल में भी इस चीज़ को लगा देंगे, ठीक है। इसका सवाल आता है एक्स स्क्वायर अपॉन पच्चीस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सोलह बराबर एक दिया है, तो ए कॉस थीटा यानी फाइव कॉस थीटा और फोर साइन थीटा, खत्म हो जाएगा आंसर। अगला टेंजेंट इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, टेंजेंट इक्वेशन क्या कहता है, इक्वेशन क्या कहता है वाई बराबर एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम प्लस बी स्क्वायर, खत्म, इस चीज़ को लगा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इसके आगे लगा लेते हैं हम सवाल, इसको आज जहाँ तक हमारे पास टॉपिक ख़त्म हो ही जाएगा, हाइपरबोला के हम पढ़ सकेंगे इसके बाद। इसके बाद आता है इसमें यदि टेंजेंट इक्वेशन, टेंजेंट इक्वेशन क्या कहता है, एक फॉर्मूला होता है एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर बराबर वन, ये टेंजेंट इक्वेशन होता है किसका एलिप्स के लिए। तो अगला क्वेश्चन इसका हमारे पास दे रखा है, यदि हमारे पास जैसे दे रखा है हमारे पास टू कॉमा थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन दस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन छः बराबर एक, तो टेंजेंट इक्वेशन बताओ, लगा दो वैल्यू टू एक्स प्लस वाई वाई अप इक्वल टू टेन आएगा, इसको करके बताना है तो एक्स अपॉन फाइव प्लस वाई अपॉन टू कॉमन निकाल दिया क्योंकि बराबर एक, तो चेंज कर लेंगे इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हाइपरबोला की तरफ, बहुत ईजी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक रहेगा जहाँ तक ये है हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक, इसके फॉर्मूला आता है फोकस कितना होता है प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो, सॉरी कॉमा जीरो, डायरेक्ट्रिक्स कितना रहता है इसका
एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी होती है इसमें, लेंथ ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस होती है इसकी, तो कितनी रहेगी 2a। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या रहता है इसका 2b, वर्टेक्स क्या रहता है a कॉमा जीरो, कर्व क्या होता है इसका माइनस ए कॉमा जीरो, सेंटर क्या है इसका, इसके सवाल कम आते हैं, जीरो कॉमा जीरो, एंड लेटर रेक्टम कितना दे रखा होता है इसका 2b स्क्वायर अपॉन a। लिख सकते हैं आप फॉर्मूलों को चाहें तो फटाफट से, ठीक है। तो इसका पैरामीट्रिक क्वेश्चन क्या रहता है, इसका पैरामीट्रिक क्वेश्चन थोड़ा अलग रहता है, क्वेश्चन इसका रहता है x बराबर a sec थीटा, y बराबर b sin थीटा, ठीक है, इसको हम ध्यान रख लेंगे हाइपरबोला के लिए। और एक ट्रिक होता है, यदि पॉजिटिव में आंसर फर्स्ट पॉजिटिव में होगा तो फर्स्ट वाला रहेगा, यानी फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट में लाई करेगा इसके लिए, तो मतलब क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1, तो फोकस क्या हो जाएगा इसका प्लस माइनस 5 कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसकी एक्स बराबर प्लस 3 अपॉन 5 माइनस का पैराबोल। इसके लिए कंडीशंस और होती हैं कुछ, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 दे रखा है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 दे रखा है बराबर 1 दिया, तो एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी पहला वाला पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, यानी फर्स्ट में क्वाड्रेंट में, अगर पहला वाला नेगेटिव तो आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में। इस तरीके से हमें सवाल इसके मिलने वाले हैं, हाइपरबोला से संबंधित इसके सवाल आपको खुद करने को मिलेंगे, ज़्यादा टॉपिक पूछा नहीं जाता। और जहाँ तक मुझे लग रहा है अब ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, यानी हमने क्या कर लिया, कॉनिक सेक्शन हमारा, हाइपरबोला, एलिप्स, सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले फॉर्मूले उतार लीजिए फटाफट से, ठीक है, इसके सवाल करने हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन तीनों का अलग अलग रहता है, एक का x बराबर a cos थीटा प्लस y बराबर b sin थीटा, एक का हाइपरबोला के लिए x बराबर a sec थीटा प्लस y बराबर b sin थीटा, ठीक है। तो टेंजेंट इक्वेशन क्या रहता है ये याद रखिएगा, डायरेक्ट्रिक्स याद रखिएगा, फोकस लेंथ याद रखिए, जहाँ तक आज कॉनिक सेक्शन का लास्ट डे समाप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सवालों को करना है अच्छे से ज़्यादा सवाल पूछने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़ना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया, और आगे लोगों से करवाना है और सबको सिखाना है घर बैठ के ज्ञान अक्षर सर का। कॉनिक सेक्शन आज कंप्लीट हो चुका है, किसी भी पुस्तक से अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, जोरदार ट्रिक लगाइए, मजे से सवाल कीजिए, फॉर्मूले रट लीजिए गोल के, और इससे ज़्यादा आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मुझसे पूछ रहे हो, कोई डाउट हो किस संबंधित तो मुझसे पूछते रहें, बाकी मुझे दीजिए इजाज़त आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी हम कल मिलने वाले हैं दोबारा नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक पढ़ना हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, अपना महत्वपूर्ण योगदान लाइक का जरूर करना है, वीडियो को चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, मैं लिख के बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। तो घर बैठेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे मेरे साथ अक्षर सर के ज्ञान में, आज के इतना ही, बाकी हम कल मुलाकात करेंगे। कॉनिक सेक्शन 7 दिन की क्लास में हमारा समाप्त हो गया, विद कोऑर्डिनेट्री, स्ट्रेट लाइन सब पढ़ा, इनसे संबंधित नोट्स चाहिए हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वर्कशीट चाहिए हो तो संपर्क कर सकते हैं, फॉर्मूला शीट चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी 6 लिंक के पूरे लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, जिसके रह गए हैं चैनल के जाके देख सारे टॉपिक देख सकता है, अपने डाउट पूछ सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, बहुत बढ़िया टॉपिक था, 7 दिन का हमारा समाप्त होता हुआ, नए टॉपिक के साथ कल नई क्लास में हम मिलने वाले हैं, जब तक दीजिए आज के टॉपिक में इजाज़त, नमस्कार, अक्षर सर के ज्ञान में आज इतना ही, आज इजाज़त दीजिए, सुखी रहें, सुख स्वस्थ रहें और घर बैठें, जब तक के लिए धन्यवाद, सेफ रहें।